तो हम फिर मौजूद हैं सीमा हैदर के पास। जी हाँ सीमा हैदर, कई महीनों से आप सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। उनके साथ हैं उनके वकील एपी सिंह साहब। सिंह साहब स्वागत है आपका, और सीमा स्वागत फिर से आपका। तो सबसे पहले तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्टेटस है, आप नागरिकता मांग रही थीं, अभी उसमें क्या हुआ? इसका जवाब तो मेरे वकील साहब ही देंगे, मेरे भाई मेरे वकील साहब, क्योंकि हमारा केस इनके पास है, तो इनको इन सब चीज़ों की जानकारी। अभी तक क्या, जो पहले एक बार पूछताछ हुई थी एटीएस से, उसके बाद से अब तक क्या हुआ? अब तक अब हम गए तो नहीं, पर पूछताछ फिर भी चल रही है। यहाँ आते हैं कुछ लोग पूछने के लिए, यहाँ बुलाते भी हम चले जाते हैं। ये किस तरह की पूछताछ होती है? यही आने की, कैसे आई, क्या हुआ, ये सारे सवाल जो पहले से होते आते वही सवाल चलते हैं। वही बार बार पूछ रहे हैं जी? बिल्कुल, मतलब गहराई से, ये कौन, या कोई चीज़ मिलती कि ये क्या है, कैसे हुआ, कौन है, सब कुछ। क्योंकि ये बता चला कि वहाँ जहाँ से आपने नेपाल से जवाब आई थी, तो दो SSB के शायद कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया उन्होंने, क्यों सिंह साहब जी? वो सब पूछताछ के बाद ही हुआ है। तो अभी क्या स्टेटस है? अभी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, उनके यहाँ हमने सीमा सचिन मीना की तरफ याचिका लगाई, सारे डॉक्यूमेंट लगाए, 5 पेज की लिस्ट दी है, और हमारे संवैधानिक पद पर इनकी भी इच्छा थी कि हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, खासकर महिला हैं, उस समाज से आई हैं जिन्होंने दर्द महिलाओं का भी देखा है, खुद भी झेला है, तो वो हमारे लिए अवश्य करेंगी। मैं सिर्फ आपसे इसमें ये जानना चाहता हूँ, देखिए ये भारत में रहने के लिए हिंदू होना, नागपंचमी मनाना, ये सब करना तो ज़रूरी नहीं है। भारत में तो आप हिंदू ना भी हैं तब भी रह सकते हैं। भारत में जगह मांगना, भारत की नागरिकता मांगना, उसके लिए हिंदू और हिंदू रीति रिवाज बनना और रक्षाबंधन की बात करना, ये तो कोई ज़रूरी नहीं था, ये क्यों किया फिर आपने? मैंने ये दिखाने के लिए नहीं करा सर, और मैं ये अब नहीं कर, क्योंकि दुनिया तो ये मानेगी ना कि दिखाने के लिए। कैमरे में तो मैं अब आई हूँ, ठीक सर, मैं जब कैमरे में नहीं थी, जब मैं इनकी पत्नी थी तब भी मैं ये सब करती थी, जब मैं पाकिस्तान में करवा चौथ मनाती थी तब भी मैं ये करती थी, ठीक। कैमरे में तो ये किस्मत की बात है, हम आ गए, ये हम वकील के पास गए, ये थे यहाँ पे उनके करीब में, तो हमने उनसे कोर्ट मैरिज की बात करी, मैंने अपने खुद उनको कागज़ दिखाया कि मैंने सर ये कागज़ है, मैं ऐसे ऐसे आई, मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करी, ये चीज़ें मैंने सारी चीज़ें उनको दे दी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी शादी करा दूंगा। बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि हम कानूनी तरीका, मैं तब भी चाहती थी मेरे बच्चे स्कूल जाएँ, कानूनी तरीका हो। तो सर इसमें ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं दिखाने के लिए, तब भी मैं मंगलसूत्र पहनती थी, तब भी मांग भरती थी, ये सब मैं, ये सब भारत की नागरिकता लेने के लिए नहीं, नहीं, ये मैं, मेरा अपना मन है, मैं हिंदू धर्म से बहुत प्यार, बहुत शांति, बहुत सुकून मानती हूँ, मैं खुद बहुत प्यार। अभी तो हिंदू धर्म को जाना कहाँ आपने, अभी तो कुछ ही वक्त हुआ। जितना जाना है इतना मतलब अच्छा लग रहा है, इतनी सुकून और शांति मिल रही है, आगे जाने में पता नहीं क्या होगा, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ वहाँ सीख चुकी थी, तो अभी आस्ता आस्ता ही होगा जाहिर सी बात। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सुकून और शांति से यहाँ पर मुसलमान भी रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं, बिल्कुल तो रह रहे हैं। मैं दिखाने के लिए ना, मेरे पति ने मुझे प्रेशराइज करा है, मैं सबको बताना चाहूँ, लोग कहते हैं सीमा बेचारी को ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, कोई नहीं करा था, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से, मन से, खुशी से, अब नहीं, पिछले 2 साल से हिंदू धर्म में ज़्यादा शौक रखती थी, मेरी इच्छा थी कि मैं त्यौहार मनाऊँ, क्योंकि वहाँ नहीं मना सकते थे इस बात की, वहाँ एक पाकिस्तानी सोनम लड़की मेरी दोस्त रही, हिंदू थी वो इस बात की गवाह होगी कि उनके मंदिर, छोटा सा मंदिर है उनका घर के अंदर ही, तो वहाँ मैं जाती थी उनके पास, तो एक था, दो छोटे, एक थी काली मैया की मूर्ति, एक दूसरी मैया की मूर्ति थी, तो काली मैया की मूर्ति के पास मुझे जाने नहीं देते थे, तुम मत जाओ अभी, तुम इसके पास आओ, तो वहीं मैं पूजा वगैरह उनके साथ करती थी, मतलब बहुत इंटरेस्ट था। कैमरे में आने का मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने अपना फोटो भी अगर इतनी रील बनाई है ना, मेरा अकाउंट प्राइवेट रहा हमेशा, ये जब मीडिया में हो गई वायरल, सबने कहा तुम भी अपना पब्लिक कर दो, तुम्हारे नाम से लोग फेमस हो रहे हैं, हमारे ये वीडियो निकाल निकाल के, तभी मैंने ये पब्लिक करा, वरना मैंने ज़िंदगी में अपना फ़ोटो भी अपलोड करा हो तो कोई कहे, ज़िंदगी में नहीं करा। अब बात बच्चों की, बच्चे भारत के नारे लगा रहे हैं, अब वो तो जैसा माँ बाप बताएंगे वैसा करते हैं, बच्चों का मन तो ऐसा नहीं होता कि वो, तो ये फैसला बच्चों पे तो नहीं छोड़ा जा रहा ना, वो तो आपकी वजह से भारत के नारे लगा रहे हैं, ये गुलाम हैदर का भी कहना है कि बच्चों को बरगलाया जा रहा है। सर पहली बात, गुलाम हैदर हमें छोड़ के जा चुका था, एक बात, हैदर ने एक ही फ़ोटो दिखाया, वो बहुत पुराना मेरा उनका, वो भी फ़ोटो था, कभी मैंने इनके साथ सेल्फी नहीं ली, इनके बाप की फ़ोटो, अगर आप रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड में इसके बाप का, किसी भी खानदान का मेरे साथ फ़ोटो निकालें, कुछ भी निकालें, कॉल हिस्ट्री निकलवा लें, कुछ भी अगर मिल गई ना, तो फिर मैं दोषी। जब ये मुझे छोड़ चुके थे खुद से, गुलाम हैदर को पता है, उसकी पहले ही पत्नी थी, वो छोड़ चुके, आप
सचिन के साथ आ गई, वो फैसला हुआ, बच्चे आपके साथ वही आ गए, बच्चों ने सचिन को अपना लिया, लेकिन बच्चों ने देश को क्यों, देश देश को क्यों अपना लिया बच्चों ने? जो सब मेरे बच्चों का फ्यूचर हिंदुस्तान में है, मेरे बच्चे अब हिंदुस्तान का नारा ही लगाएंगे, हिंदुस्तानी, अच्छे हिंदुस्तानी बन के दिखेंगे, मैं इनको ऐसी तरह। ये फैसला उन पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए बच्चों पे? अब ये बड़े छोटे हैं, हाँ, जब बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, अगर मन फिर भी इनका मन है, पर जब ही जब तक मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूँगी, मेरे बच्चे मेरे साथ कहेंगे, क्योंकि जैसे मतलब वो मैंने उनको नहीं पढ़ाया तुम बोलो बोलो बोलो, वो मेरे साथ खुद बोले अपनी माँ के साथ कि मैं जिस चीज़ को हूँ तो मेरे बच्चे भी तो होंगे ना, मेरी मैं उनकी माँ थी, मैं ही उनके बाप थी। पर कानून की नज़र से सिंह साहब बच्चों, एक तो सीमा का केस है, फिर बच्चों का केस है, बच्चों बच्चे भी जो नारे लगा रहे हैं वो तो अभी बालिग नहीं है इस देश में, ये तो बच्चों ने भारत माता की जय कर दी, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दिया, योगी मोदी जिंदाबाद कर दिया। इस देश में ऐसे भी बहुत से लोग रह रहे हैं जो भारत का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ शादी करते हैं, यहाँ बच्चे पैदा करते हैं और भारत माता की जय कहने से कतराते हैं। इससे पहले वो आपका झगड़ा हुआ वो पड़ोसी से जिसने कुछ बोल दिया था, मेरी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हाँ, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, केस तो किया ना, FIR तो, वो, हाँ। वो तो उनकी अपनी इच्छा है, कैसे कहती हैं, क्या कहती हैं। अब जब दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो तीन उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं, अब वो तीन उंगलियां उनकी तरफ उठ गई, पहले तो उन्हें वो उंगली दिख रही थी, अब तीन जब अपनी तरफ उठ गई तब उन्हें लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये की तो सोचना चाहिए पहले से जब आप उंगली उठाएं किसी की। उनसे मुलाकात हुई? कभी भी नहीं, मैंने उनको कभी गलत कहा ही नहीं, वो ही पता नहीं भड़क रही मेरे पे। किसी के बारे में अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक, गैरकानूनी, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं। देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे यहाँ क्या है रंग, आप कश्मीर के लोगों का रंग मिल्की वाइट, फिर इधर नीचे आए गोरे, फिर गेहुआ, फिर सांवले, और नीचे चलते चले जाएंगे तो काले, वो भी ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी है, कोई व्हाइटिश रंग लिखता है, सब ये है रंग। हमारे यहाँ वजन कितना, 30-35 किलो से वजन शुरू होता है, बेटा बेटी पतले दुबले 150 किलो तक के वजन के, हमारे यहाँ हाइट कितनी शुरू होती है, 3-3.5-4 फुट, 4.5 से शुरू होती है, 7 फुट तक चली जाती है, किसी की कितनी हाइट, किसी का तो भगवान की देन है। कोई थायराइड पेशेंट है, हमारे यहाँ कोई दवा लेता है मोटे होने की, कोई पतले होने की, कोई योगा करता है, कोई जिम करता है, कोई हाइट बढ़ाता है, कोई हाई हील की सैंडल पहनता है, कोई पतली स्लीपर पहनता है, दुकान पे जाता है तो फिर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज बिल्कुल कर दिया, अब फिर कर दिया नजरअंदाज, दफा करो। पर मेरे पति इतने भी बुरे नहीं है जितना वो कह रही थी, ये मैं कहना चाहूंगी। मेरे पति आपको आपने जब सबसे पहली बार सुना तो आपको बुरा लगा? सबसे पहली बार तो नॉर्मल हर कोई बोल रहा था, जब ये बोलते जा रही लोग मजाक उड़ा रहे तब तो बुरा लगा, तब बुरा लगा, बहुत परेशान हो गया। इनकी निजी बात थी, कहना नहीं चाहिए, मुझे इतना परेशान हो गए, कहने लगे मैं क्या सर आत्महत्या कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, मर जाऊँ, मुझे जीने का मन, मैं बाहर नहीं निकल सकता। अरे मैंने कहा शांति रख, धैर्य रख, कानून पे भरोसा रख, ऐसी क्या बात। कोई बाहर जाता ना तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, हमारे परिवार वालों का भी कोई बाहर जाता ना तो एक ही बात करते, ये मैडम कर रही थी, तो दुख हो रहा था, जाहिर सी बात है बेइज्जती है इसमें। अब आप बताइए कि हाँ उसी सवाल पे कि राखी क्यों भेजी, क्या मकसद था? इसमें कोई मकसद नहीं था, मैंने खुद मन से भेजी, वकील साहब को भेजी, मोदी योगी जी को भेजी, वो औरतों के लिए, किसी ने आपको बोला नहीं कि जगह भेज दीजिए? ना, मैंने खुद भेजी, मैंने मेरे पति ने सोच के हमने खुद भेजी, मोदी जी को भेजी, योगी जी को भेजी, हाँ, अमित शाह जी, अमित शाह भी भेजी, राहुल गांधी को भेजी? नहीं। क्यों नहीं, उनको नहीं भेजी, मतलब सिर्फ सत्ताधारियों को क्यों भेजी आपने? सत्ताधारी मोहन भागवत जी सत्ताधारी है कोई? मोहन भागवत जी आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़ी बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, तो प्यार है, सम्मान है, उनको सुनती है, देखती है। चंद्रयान किसके लिए व्रत रखा? बिल्कुल, ये बात पॉइंट है, जो योगी जी और मोदी जी ने कर दिखाया ना, वो किसी ने नहीं करके दिखाया, ये और आधा यही वजह है इनसे इतनी। और पाकिस्तान में भी मोदी और योगी जी का बहुत नाम है आधा तो, जब मैंने पाकिस्तान में भी इनकी वीडियो देखी थी, योगी जी छोटी छोटी बच्चियों के कन्हैयाओं के पैर धुला रहे थे, तो इनका बहुत सम्मान है वहाँ पे, कि इतने बड़े होकर इतने सादा से रहते हैं, तो आधा यही भी वजह है, क्योंकि वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, आधा ये भी है। मैं भी एक औरत हूँ, तीन बेटियों के साथ आई हूँ। आप सोच रहे, आप समझ रही नहीं, ये सवाल क्यों क्यों उठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं कि भाई क्योंकि पाकिस्तान है, क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि हर तरह के टेस्ट करा लो, लेकिन हर तरह के टेस्ट के बाद अभी ऐसी कोई क्लीन चिट नाम की चीज़ किसी आधिकारिक एजेंसी की तरफ से नहीं आई है, तो इसलिए ये सवाल हैं। और इन सवालों के साथ साथ फिर ये जाता है कि भाई अगर ये पाकिस्तान ने जासूस बना के भेज दी हो तो कहीं हम धोखे में तो नहीं आ रहे, और उस पे जब जो कथित जासूस है वो राखी भेजती है तो लगता है कि कहीं ये हमको बरगलाने की कोशिश। जासूस छुप के रहता है,
जासूस अपने चार बच्चे लेके आएगा, जासूस अपने जन्म से लेकर, ये वो कागज लाई है जो जन्म से लेकर जासूस वो करेगा, जो जासूस वो करेगा जो आप समझेंगे नहीं, अगर हम समझ रहे हैं तो फिर जासूस नहीं है। जासूस रघुपुरा में आएगा, जासूस तो पता नहीं कहाँ कहाँ हनी ट्रैप करेगा, कितने मुकदमे आपने भी देखे बड़े बड़े लोगों के हनी ट्रैप करेगा। यहाँ आई है, प्यार में है, प्यार में आई है तो सब प्यार में और युद्ध में और राजनीति में थोड़ा बहुत तो माफ कर देना चाहिए, इतना तो चलता है ना। इसके अलावा भी तो ये इस बात को अगर अलग भी रखें, इसके अलावा भी ये आपको इतना तो अंदाज़ा होगा, चाहे आपकी जो भी सच्चाई हो, इस परिवार और इस पूरे इलाके को भी, के लोगों को भी बहुत तकलीफें हुई इस पूरे आपके आने और इस पूरे सब की वजह से, ऐसा लगा आपको? नहीं, परिवार नहीं, को नहीं नहीं, हमारा अमीना समझ बहुत खुश है। अगर थोड़ा बहुत देखा तो मैंने, मेरे पापा ने जब जेल वेल का हुआ सीन, फिर हम बेल के बाद तो कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सब खुश हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो दिक्कतें हैं, मीडिया लगा रहता है। हाँ, ये दिक्कत बहुत हुई थी, बहुत ज़्यादा, मीडिया ने खाना पीना भी बंद कर दिया था, 10 बजे तक रहते थे, सुबह को 6 बजे आ जाते थे। और काम काज बिल्कुल, वो तो अब भी नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं काम कर रहा, तो कामकाज नहीं हो पाना, प्रभावित होता है वो, प्रभावित। इसीलिए मैंने इनके आर्थिक सहयोग के लिए 13 पिछली बार जब आया था तो मैंने अकाउंट फ्लश किया था, क्योंकि हमें पुलिस की शिकायत मिल रही थी कि लोग इनके नाम के नकली अकाउंट खोल के पैसे ले रहे हैं। तो मैंने इनका अपना जेन्युइन अकाउंट जो सचिन के नाम है, रघुपुरा ब्रांच का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, उसका नंबर फ्लश किया था, और उस पर इनका इनका जो इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, दोनों चीज़ों का वो दो तो उसमें पैसे फ्लश किया था। हाँ, सपोर्ट बहुत लोगों ने प्यार दे रहे हैं, ऐसा नहीं करी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत सब दे रहे हैं, अब तक दे रहे हैं बिल्कुल। तो ये पर आगे का क्या सोचा है आपने, अगर मान लीजिए, चलिए ये इसमें तो वक्त लगेगा, ये नागरिकता की प्रक्रिया जो है ये लंबी है, प्रोसेस है इसमें, तो आगे जीवन का क्या सोचा है आपने? जीवन का तो फिलहाल ये काम पर जाएँगे, जाहिर सी बात है, बच्चे स्कूल जाएँगे, मैं हाउस वाइफ बनूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर बनूँगी, वरना कुछ नहीं, अपनी हाउस घर पर खुश बच्चों के साथ। तो वही काम पे जाएंगे जहाँ पहले थे? अब ये देखेंगे, जो अच्छा काम मिल गया, अब जहाँ 4 पैसे ज़्यादा आएंगे वहीं कमाएंगे। पर कुछ बातचीत हुई इस बारे में आपकी? अभी नहीं हुई, अभी फिलहाल तो नहीं हुई, अभी भी बीमार रहे काफ़ी समय तक। तो आपको और वहाँ से किसी ने अभी तक कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कभी किसी कोई में से वहीं पे ही कोई कांटेक्ट में नहीं था, तो यहाँ क्या खाक करेंगे। नहीं पर यहाँ आने के बाद जब इतनी न्यूज़ में आप आ गई, तब तो कुछ कि भाई वो केवल कांटेक्ट न्यूज में ही करते हैं बस। हाँ, उसके अलावा कुछ कभी नहीं। भी नहीं, कभी भी खबरों में रहना, बच्चों का प्यार, कभी मुझसे मांग के देखता, आप कभी मुझसे कांटेक्ट कर देखो, कभी भी नहीं। गुलाम हैदर को छोड़िए, बाकी लोग आपके? कोई भी नहीं करता, बाकी किसी परिवार में नहीं करता। मेरे अबू थे, बताया वो 15 दिसंबर 2022 में खत्म हो गए, उनके बाद मेरा कुछ भी नहीं था, भूखी बैठो, कैसे बैठो, कोई फोन करके ना पूछता सीमा बच्चों ने क्या खाया। आपकी माँ? वो 20 साल पहले मर गई, हम छोटे छोटे थे जब मेरे बच्चे हैं इसी, मतलब मेरी एज में मेरी माँ मर गई थी। तो किसने पाला पोसा आपको? हमारी एक बुआ थी, वो टांग से थोड़ी माजूर थी, उसी ने भी पाल पोस के बड़ा करा, और अब्बू ने, हमारे अपने अब्बू ने। तो बुआ ने भी कांटेक्ट नहीं? ना ना, वो शादी के बाद हम लोग शहर शिफ्ट हो गए, अब वो अलग से रह रहे हैं सब लोग। जब बच्चे ने थोड़ा बड़ा करा, फिर हमारे अब्बू ने, ज़्यादा हमारे अब्बू ने हमारे लिए शादी भी नहीं करी, उन्होंने एक दूसरी शादी करते हैं, तो उन्होंने कहा सौतेली माँ पता नहीं कैसी होगी, तो हमारे अब्बू ने शादी भी हमारे लिए नहीं करी बिल्कुल। मेरी बड़ी बहन की शादी करा दी मेरे मामा के लड़के में, उसके साथ छोटी बहन का रिश्ता हो गया था, भाई का रिश्ता हो गया था, और मेरी भी शादी करा दी गई थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब्बू होते तो वो क्या सोचते कि बेटी यहाँ से? अब्बू होते मैं आती भी नहीं, मेरे साथ सहारा तो होते। पर जो आपने कदम उठाया है इतना बड़ा, वो उनको कैसा लगता? मैं जब अब्बू होते तो मैं यहाँ आती भी नहीं, ये सचिन को भी पता है, मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ, इनसे मिलने की बात 10-5 दिन और बात है, बाकी हमेशा के लिए मैं कभी भी नहीं आती, जिससे मेरे अब्बू को इतना दहेज पहुँचती, क्योंकि अब्बू ही हमारा सहारा थे आकर, माँ के बाद वही थे, उसके बाद दुनिया ही ख़त्म। और हम जो लगातार एक तो आपको त्योहारों पे देखते हैं कि त्योहारों पे आपकी न्यूज़ आती है, अब रक्षाबंधन है, नहीं चंद्रयान के लिए, चंद्रयान 3 के लिए, फिर एक चंद्रयान, और लोगों ने बड़े कमेंट करे कि अगर चंद्रयान सही ना उतरा पिछली बार की तरह तो कहां तक व्रत चलेगा, ऐसे कहे, लेकिन प्यार था, सम्मान था, आदर लोगों ने बहुत खिंचाई की, लेकिन इसका प्यार था, सम्मान था। अब चंद्रयान 3 पे आपने क्यों व्रत रखा? के सफलता पर उतरे? नहीं पर मतलब ऐसी क्या भावनाएं, पहले बात तो आपको भावनाएं, हिंदुस्तान किसने बताया कि ऐसा कर सकते हैं, पर व्रत रख सकते हैं, देख रही थी बिल्कुल ही, जब वो दिन आया इस रात को हमने वीडियो देखी कि अब उतर, कल शाम को मतलब 6:03 इसी समय उतरेगा,
तो बहुत मतलब जज्बात बढ़ गए कि हाँ कितना क्या सीन होगा क्या होगा सब। तो सुबह को मैंने थोड़ी सी मतलब पूजा करते हुए वीडियो बनाई, प्रार्थना करते हुए, फिर वर्ती भी थी मैं तो वीडियो बना के अपने यूट्यूब में डाली थोड़ी सी। उसके बाद जैसे ही शाम हुई अब मतलब 6 बजे से 5 बजे हम टीवी पे बैठ गए कि भाई उतरे गए देखेंगे लाइव। तो देखते जैसे ही उतरा चाँद पे तो फिर वैसे ही हमने विक्रम उतरा चाँद पे तो हमने वहीं से फटाके मंगा के रखे थे क्योंकि पूरा विश्वास था कि उतरेगा चांद पे। तो हमने फिर छत पे जाके फटाके फोड़े, मिठाइयाँ बांटी, बिल्कुल भी धूमधाम जैसे खुशी होती है, हम सारे मोहल्ले के लोग आए थे तो हमने खूब करी। तो जज्बात की आपने बात की, देश के लिए जज्बात की बात की, आप भी तो बचपन में स्कूल जाती होंगी, वहाँ पाकिस्तान का झंडा दिखाया जाता होगा वहाँ पे, मतलब आप वहाँ रह रही थी तो वहाँ का जो राष्ट्रगीत है कौमी तराना वो गाया जाता होगा, तो वो जज्बात तब नहीं आते थे? मेरे राष्ट्र वहाँ वो मुझे अभी तक याद नहीं है क्योंकि हम स्कूल कभी भी नहीं गए। जो मैं 5 पढ़ी हूँ वो हम घर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बेनज़ीर की तरफ पढ़ाए गए। अच्छा। घर पे एक टीचर आती थी मिसाल से, वही पढ़ा के जाती थी रोज़ाना शाम को ना सुबह को, शाम को आती थी पढ़ा के जाती थी। पर पाकिस्तान के झंडे पे गर्व करना, उस पर फख्र करना वो चीज़ भी अलग है सर। मैं ऐसा नहीं पाकिस्तान को गलत नहीं कह रही, ठीक है, जब तक मैं वहाँ थी बिल्कुल पाकिस्तानी थी, पर वहाँ जो मेरे साथ गलत होता रहा वो तो लोगों ने किया ना, कुछ लोगों ने लोगों का ही कह रही हूँ। वहाँ से जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो उस दिन पाकिस्तान का मुर्दाबाद कहना वो एक जज्बात था, ठीक है, जज्बात में निकल गया, उनकी वहाँ के लोगों की वजह से निकल गया क्योंकि वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझसे टका भी मुझसे छीन लिया, एयरपोर्ट में मुझसे सारे पैसे छीन लिए गए थे, सभा नाम था उस अधिकारी मतलब कोई थी वहाँ की, तो उनकी वजह से निकला, बाकी मेरे पाकिस्तान से मेरा कुछ भी नहीं है। तो जो आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद का वो एक जज्बात में का, क्योंकि वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई बचपन से जिस देश को आप जिस पे फक्र करते हुए बड़े होते हैं यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आपको ये पसंद आ रहा है, उस वक्त जज्बात में, उस समय जज्बात में मैंने ये बोल दिया क्योंकि वहाँ के लोगों की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ही आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत हथकारी गई हूँ वहाँ से जब कोरोना। अब वो लोग अच्छा अब ठीक हो जाएं और फिर बुला लें और फिर आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, वो कट्टर मुल्ला हैं, उनके दिल में मेरे नफरत कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, ये मैं आपको आप चाहे लिखवा लें मुझसे। और जहाँ बलोच कबीला, आपको तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी, बलोच कबीला कितना खतरनाक होता है औरतों के लिए, कोई भी यूट्यूब में सर्च मार लेना तो बहुत बुरा है औरतों के लिए, तो इसलिए मेरा जानना तो बनता है। मैं वैसे भी सचिन को छोड़ के, सचिन के बगैर एक पल नहीं जी सकती, तो मैं इनको छोड़ के जाऊँगी कैसे। और फिर मौका आएगा, फिर आपसे लोग पूछेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच आ रहा है, जाहिर है मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इंडियन हूँ। दोनों को नहीं? अब मैं दोनों को नहीं कर सकती, अब मैं हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान को ही करूंगी। अब मेरा पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, ना मेरा ना कभी जाऊंगी, ना मेरा कुछ है। वहाँ के लोगों मेरे बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, वो मुझे मारने तक की बात करते हैं, हालांकि मैं कुछ लोग तो यहाँ पे भी बहुत गलत बातें करते हैं। नहीं, इतनी भी नहीं करते जितनी वहाँ के करते हैं, और वहाँ के गंदी गाली गलौज करते हैं। आप पता नहीं फेसबुक चलाते हो कि नहीं, वहाँ पे आती हैं वीडियो, तब मेरे तो विराट कोहली, अब सपोर्ट तो विराट कोहली को ही करेंगे। और विराट कोहली के आउट होने पे आपको उतना ही दुख होगा जितना हिंदुस्तान में बाकी लोगों को होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये आप क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानी ही हूँ, कितने महीने हो गए यहाँ का नमक खाया है मैंने, अब ऐसा मत कहें, मैंने पाकिस्तान के भी गलत नहीं बोला, ये आप बोलने वाले थे मुझे पता है, मैंने पाकिस्तान को वहाँ के लोगों की वजह से मैंने बोला था वादे ना। नहीं, हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद सुन के आए इसलिए मैंने सवाल पूछा। बिल्कुल नहीं, वो बोल रहे वहाँ के लोगों की वजह से बोल दिया था हमने, तो इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं है। बिल्कुल बहुत तंग करी गई हूँ मैं, ये पासपोर्ट कार्ड बनाते बहुत बहुत दुखों से बनवाए मैंने यहाँ आने के लिए, पर अफसोस कि यहाँ का वीज़ा भी नहीं मिला और मुझे ऐसे आना पड़ा और ऐसे लोगों के बीच में सवाल जवाब करने पड़े। अगर वीज़ा मुझे देता है इंडियन एम्बेसी तो शायद ये सब भी ना होता, मैं भी यार चैन की रोटी खा रही होती। तो वो तो इंडियन एम्बेसी ने नहीं दिया ना वीज़ा, इंडियन हाई कमीशन ने नहीं दिया वीज़ा। तो वहाँ से पाकिस्तान मैंने इस्लामाबाद में जमा कराया था, मैं इंडिया तो नहीं आई थी, मैंने तो पाकिस्तान में जमा करवाया था, पता नहीं वहाँ पाकिस्तानियों में कुछ गड़बड़ थी या आगे नहीं दिया, मुझे क्या पता, मुझे तो पता था वीज़ा नहीं लगा। तो पहले जब आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखती थी तब किस कौन से बैट्समैन को सपोर्ट करती थी? दोनों को करती थी तब, जब जब पाकिस्तान से किसको? पाकिस्तान से शुरू में शायद अफरीदी को, बूम बूम अफरीदी से नाम फैला जाता है, और यहाँ से विराट कोहली को, विराट कोहली बहुत। अब शायद अफरीदी तो खेलते नहीं है, अब तो वो कब के ख़त्म हो गए, अब के तो मुझे नाम भी पता नहीं है अब के का, या अब मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे मैचों में। बिल्कुल हाँ, विराट कोहली तब भी खेलते हैं, अभी जो बीच में चल रहे थे मैच, हम यहाँ पे थे ऐसे इंडिया में चल रहे थे, जब पता नहीं कितने छक्के मारे थे, अभी ना चल रहे थे बीच में, तब भी हम देखा करते थे मैं और मेरे पति, मई में चल रहे थे। आपके लिए अब
यहाँ से सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा, वो कौन सा दिन होगा जिसका आप इंतजार कर रही हैं? सब दिन अच्छे हैं, सबसे अच्छा दिन तो आज का भी है, रक्षाबंधन है, ऊपर से भैया हैप्पी सर को मैंने राखी बांधी है, तो आज का बहुत बड़ा दिन है। पर उधर जो बाकी राखी आपने भेजी वहाँ से तो जवाब आया नहीं। तो मैंने जवाब के लिए नहीं भेजी, मैंने बांधने के लिए राखी भेजी है जो विश्वास से बांधी जाएंगी, और मैंने एक बहन बन के भेजी है तो मुझे नहीं लगता कि ठुकराई जाएंगी बिल्कुल। और मुझे पूरा विश्वास है योगी जी और मोदी जी, वो हमेशा महिलाओं के लिए बारे में ही बोलते हैं, भाई बहनों इस तरह के शब्द निकालते हैं, तो मुझे विश्वास है, आगे देखते हैं विश्वास कहाँ तक ले जाएगा, पर मुझे पूरा विश्वास है। सिंह साहब, ये विश्वास और भावनाओं का खेल नहीं है, ये तो कानून है और आप वकील हैं, आखिर तो कानूनन कानूनी पैमाने पर ही सब कुछ तय होगा। कानून भावनाएं भी देखता है, कानून सुनता भी है, दिल भी रखता है, कानून ऐसा नहीं है, रीत रिवाज से ही तो कानून बना। कानून बना कहाँ से, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, रीति रिवाज पद्धति जो समाज में चली, मर्यादाएं चली, वही कानून का रूप लेती चली गई, उन्हीं पर लैंडमार्क जजमेंट चलते चले गए। तो निश्चित तौर पर भारत की सभ्यता संस्कृति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम केवल बोलते नहीं, केवल दीवारों पे नहीं लिखते, हम करके भी दिखाते हैं, अपनाते हैं और उसे सिद्ध करते हैं। खैर, ये सारे सवाल और ये सारी दलीलें आपकी ये कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगी, और ये यकीनन है कि देश देख रहा है कि सीमा हैदर केस का क्या होता है। सीमा सचिन मीना जैसे आपके रिजर्व में। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।